दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी A23 मोबाइल में तीन तरीके से स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। इनमें से जो तीसरा तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं आपको सारे तरीके एक एक करके बता देता हूँ और कैसे उनकी सेटिंग करना है, कैसे उनको इनेबल करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे में अगर मैं पावर बटन और वॉल्यूम के नीचे वाली बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपकी स्क्रीनशॉट हो जाती है, आपके मोबाइल में भी ये हो जाता है, लेकिन ये तो सबको पता होता है। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे में असिस्टेंट मेनू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन ऑफ स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो गया। ये दूसरा तरीका है। जो तीसरा तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पर देख पा रहे हो साइड बार दिख रहा है, साइड बार को जैसे हम इस पर इस तरफ करते हैं तो यहाँ पर कुछ फंक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक टेक स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो दोस्तों ये जो आखिरी के दो तरीके हैं इन दोनों को इनेबल कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख पा रहे हो डिस्प्ले, तो आपको डिस्प्ले पे जाना है और डिस्प्ले पे जाने के बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है एज पैनल, तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये आपका इनेबल कर डिसेबल होगा तो आपको इसको इनेबल करना है। उसके बाद पैनल्स पे आना है और यहाँ पर इनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो इसको ना सेलेक्ट कर लिए करिए, आपको सिर्फ इन दोनों को ऐप्स को और टास्क को सेलेक्ट कर लेना, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए तो आपके पास ये वाला जो साइड बार है ये वाला ये आ जाएगा और इसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अब तीसरा तरीका जो है ये असिस्टेंट मेनू वाला, इसको कैसे इनेबल करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ आना है सेटिंग में ही और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाना है, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एंड डेक्सटरिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट मेनू का एक ऑप्शन आ रहा है, तो ये आपका डिसेबल होगा तो देखिए वो असिस्टेंट मेनू चला गया, इसको आपको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका तीनों तरीके से स्क्रीनशॉट होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं।